शुरू से लेके अंत तक पूरी क्लास अगर ले ली तो कोई रिवीजन आपको करने की जरूरत दोस्तों नहीं पड़ेगी ऑल परफेक्ट है, है, so तो है और करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले जैसा दोस्तों आपको हमेशा कहते हैं कि मम्मी पापा सर्वोपरि है इनका स्थान कोई नहीं ले सकता है इनसे ज्यादा चिंता आपकी कोई नहीं कर सकता है इनका सम्मान करो निरंतर करो नया साल आ रहा है नई जिंदगी की शुरुआत करो और इसी नई जिंदगी में मम्मी पापा के कदमों में लाके रख दो उस नौकरी को जिस नौकरी के लिए आप पिछले तीन चार साल से बराबर मेहनत कर रहे हो क्योंकि अब की बार आपकी मेहनत के साथ में सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए मैं आ चुका हूँ इसके साथ में दोस्तों सरस्वती माता हमेशा आपके साथ थी है रहेंगी निरंतर जब तक आप हैं तब तक इसके साथ में टॉप थ्री स्टूडेंट्स परसों वाले ही आएंगे नंबर टॉप पे आएंगे हमारी दोस्तों राजधा मिनिस्ट्री नंबर दो पे निधि कुशवाहा और नंबर तीन पे विक्रम यादव एसआई SI, ये वो स्टूडेंट हैं जो टॉप थ्री पे आए हुए थे स्टार्ट करते हैं सेशन को और सबसे लास्ट में गतिविधि सीरीज अगर आप यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल अगर आप एसएससी जीडी एसीआईओ सीपीओ सीजीएल एमटीएस सीएचएसएस जैसे एग्जाम दे रहे हो तो गतिविधि सीरीज में भी शामिल जो में किस दिन गुरु के की की रूप में दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों सबसे हम बात बड़ी बात बताते हैं आपको तो याद रखना जब हम लोग सिखों की बात करते हैं जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सिक्ष की, की तो सिखों के दोस्तों जो दसवें गुरु थे सिखों के जो दसवें गुरु थे उन दसवें गुरु का नाम क्या था गुरु गोविंद सिंह जी जैसा कि दोस्तों आपको पता है उनका नाम क्या था उनका नाम सरजी था गुरु गोविंद सिंह क्या नाम नाम था गुरु गोविंद सिंह उनका नाम था अगर इन्हीं की बात करें दोस्तों याद रखना गुरु गोविंद सिंह सीजे जी से संबंधित दोस्तों दो पुत्रों को उठाकर ठीक है दो पुत्रों को उठाकर इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों शहीद के रूप में ठीक है शहीदों की शहादत के रूप में शहीदों की याद रखना दोस्तों शहादत के रूप में वीर बाल दिवस मनाने की दोस्तों घोषणा कर दी है क्या मनाने की घोषणा कर दी है वीर बाल दिवस ठीक है वीर वीर बाल बाल दिवस दिवस या बी ए एल कुछ भी कर दो वीर बाल दोस्तों, दोस्तों मनाने की घोषणा कर दी तो प्रत्येक वर्ष ये दोस्तों वीर बाल दिवस है जो कब मनाया जाता है तो याद रखना प्रत्येक वर्ष यह दिवस आपके छब्बीस जनवरी छब्बीस दिसंबर दो हजार तेईस को मनाया गया आपकी बार छब्बीस दिसंबर को दोस्तों मनाया गया इससे पहले वही दो हजार बाईस को दो हजार इक्कीस को वगैरा वगैरह तो प्रत्येक वर्ष वर्षा की बात यह है छब्बीस को मनाया जाता है, है। क्यों जाने जाते हैं शहीद बाल दिवस के रूप में क्यों जाने जाते हैं सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों आपको यह निकल के आता है सबसे पहले इस दिवस की शुरुआत कब से होती है सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों जो होता है इस दिवस की शुरुआत किसके द्वारा होती है इस दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री दोस्तों नरेंद्र नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर दी जाती है और पहली बार इस तारीख इस डेट को इस दिवस को 26 दिसंबर 26 दिसंबर 2022 से दोस्तों दिल्ली से इसकी शुरुआत कर दी जाती है किसकी याद में कर दी जाती है तो याद रखना जोरवार सिंह किसकी तो याद रखना दोस्तों एक का नाम था एक पुत्र का नाम था जिसको आप जानते हो जोरवार सिंह के नाम से एक पुत्र और था जिसका नाम दोस्तों हो जाता है फतेह सिंह एक पुत्र का दोस्तों नाम हो जाता है फतेह सिंह इन दोनों को क्या करना पड़ा था इन दोनों को याद रखना दोस्तों ये ए, क्या नाम हाँ इनको क्या कर दिया गया था तो याद रखना इनको मुसलमान इनको दोस्तों याद रखना मुसलमानों में मुसलमान मुसलमानों में दोस्तों धर्म परिवर्तन इनके धर्म परिवर्तन की दोस्तों कराने की कोशिश की गई थी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई थी और इन्होंने दोस्तों याद रखना धर्म पर परिवर्तन करने से मना कर दिया था जब धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था तो याद रखना इनको दीवारों में चुनवा दिया गया इनको दीवारों में क्या कर दिया गया था दोस्तों याद रखना चुनवाया गया था और जब जब इनको दीवारों में चुनवा दिया गया उसके बाद दोस्तों इनकी डेथ हो गई सीधी सी बात है अगर किसी व्यक्ति को आप दीवार में चुनवा दोगे उसकी डेथ हो जाएगी इस वजह से दोस्तों इनकी डेथ हो गई थी इसीलिए इन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है दूसरी बात याद रखना इनके चार पुत्र थे इनके दोस्तों अगर पुत्रों की बात की जाए तो चार पुत्र थे और चार पुत्रों को दोस्तों जाना जाता था साहिब जादे के रूप में जो शब्द आपने लिखा साहिब जादा तो साहिब जादा जो सब निकल के आया है ठीक है साहिब जादा साहिब जादा दोस्तों जो शब्द निकल के आया है ये कितने पुत्रों के लिए निकल के आया है दोस्तों चार पुत्रों के लिए निकल के आया है और दूसरी बात याद रखना ऐसा कौन सा राज्य है जो साहिब जादा पाठ्यक्रम जिसने दोस्तों स्कूलों में शुरू किया है तो याद रखना भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है उत्तर प्रदेश जो साहिब जादों के बारे में उत्तर प्रदेश में बच्चों को पढ़ाएगा यह बात आपको याद रखनी है तो प्रत्येक वर्ष दिवस छब्बीस तारीख को दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है है इसकी किसी भी भी प्रकार की कोई भी थीम वगैरह अवेलेबल नहीं संस्कृत मंत्रालय के द्वारा जोरवार सिंह फते सिंह फतेह की शहादत में वीर बाल दिवस प्रत्येक वर्ष छब्बीस दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है दूसरी बात याद रखना आज ही के दिन आप लोग मना रहे हो बॉक्सिंग डे आज ही के दिन आप लोग बॉक्सिंग डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हो बॉक्सिंग डे प्रत्येक वर्ष दोस्तों क्यों मनाया जाता है क्रिसमस डे का क्रिसमस डे का के बाद आने वाला दिवस जो होता है बॉक्सिंग डे होता है इस दिन याद रखना जितने भी आपको तोहफे मिलते हैं जो भी आपके दोस्तों तोहफे आपको दिए जाते हैं 25 दिसंबर को ये सारे तोहफे जरूरतमंदों को दोस्तों बांट दिए जाते हैं इसीलिए बॉक्सिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है पहला क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हो चुका है अब पहले क्वेश्चन में महत्वपूर्ण रिविजन आपके सामने होगा

अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है दो अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस विश्व प्रकृति दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है तीन अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रकृति दिवस विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस चार अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है तो याद रखना दोस्तों पांच अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस विश्व वन्यजीव प्राणी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है तो याद रखना प्रत्येक वर्ष छह अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष आठ अक्टूबर को विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष याद रखना नाइन्थ ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है इसीलिए हम कहते हैं कि घर पे कोई रिवीजन नहीं करना ना इनको पेन और कॉपी से लिखा करो चुपचाप बैठा करो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है

आगे बढ़े चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन 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 पे हम लोग बढ़ते हैं आज का अगला नंबर दूसरा हाल ही में में किस स्थित को ने मेरिट से सम्मानित कर दिया था कल मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा दिया था एक लाइन में पढ़ लो फटाफट से फिर आगे चलते हैं तो दोस्तों अवार्ड ऑफ मेरिट जो है निम्नलिखित में से दोस्तों किस राज्य से रिलेटेड है किस राज्य को यह पुरस्कार दिया गया कल मैंने क्या पढ़ाया था पंजाब में हरियाणा में राजस्थान में या फिर दोस्तों आप ये उत्तराखंड में निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको सम्मानित किया गया था स्टेट सॉरी अवार्ड ऑफ मेरिट से निम्नलिखित में से किसको सम्मानित किया गया था सीधा आंसर मार देना दोस्तों हरियाणा को सम्मानित किया गया था ये पुरस्कार किसके द्वारा दिए गए ये पुरस्कार याद रखना दोस्तों यूनेस्को के द्वारा दिए गए और जब हम लोग संपूर्ण एशिया की बात करेंगे एशिया में कुल मिलाकर दोस्तों याद रखना कुल मिलाकर बारह पुरस्कार आपके दिए गए हैं इन बारह पुरस्कारों में दोस्तों याद रखना सात जो अवार्ड हैं इन बारह पुरस्कारों में सात जो अवार्ड हैं वह किसको दिए गए हैं सात पुरस्कार दोस्तों हमारे भारत को दिए गए हैं कल मैं पढ़ा चुका था इनको आगे बढ़ जाओ पीडीएफ में मिल जाएगा सारा डाटा ये आपकी पूरी पूरी मतलब पूरा का पूरा डाटा है कुल मिला के सात सेशन है इसमें हवेली धर्मपुरा दोस्तों दिल्ली के अंदर है गेटवे ऑफ गोहड फोर्ट गोह मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है इसी प्रकार से याद रखना क्लॉक टावर मुंबई के अंदर वेलिंगटन वेलिंगटन फाउंटेन मुंबई के अंदर क्राइस्ट चर्च मुंबई के अंदर रॉयल बॉम्बे ओपेरा हाउस मुंबई के अंदर और इसके साथ श्री रंगम टेम्पल तमिलनाडु के अंदर दोस्तों स्थित है रंगत स्वामी का टेम्पल श्री रंगम टेम्पल कहां पर है तमिलनाडु के अंदर ये सात ऐसे स्थल है जिनको वर्तमान में जोड़ा गया है यूनेस्को के अंदर जोड़ा किस स्थिति में जोड़ा गया वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं अलग अलग कैटेगरी है यानी कि ऑर्डर ऑफ पुरस्कार पुरस्कार इनमें दिया गया है कल मैं आपको सब पढ़ा चुका था कल मैंने आपको बताया था भारत के अंदर मिलाकर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइटों की संख्या अब कितनी हो चुकी है तो भारत के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की साइटों की संख्या कुल मिलाकर बयालीस हो चुकी है बयालीस की बयालीस बयालीस साइटें आपके सामने हैं कल बताया था एक दो तीन चार पांच छह सात एक दो तीन चार पाँच छ सात और सात और छह बयालीस ठीक है हो गया क्वेश्चन आगे बढ़ो सर जी सबसे बड़ी बात न्यूज में जो आती है पहले साइटों की संख्या दोस्तों 40 हुआ करती थी वर्तमान में संख्या इसकी दोस्तों 42 हो चुकी है तो कितनी साइटें बढ़ी हैं दो साइट दोस्तों बढ़ गई हैं दो साइट कौन कौन सी हैं इसमें से 41 साइट जो बढ़ी उसका नाम है वेस्ट बंगाल के अंदर शांति निकेतन जो पर स्थित है पश्चिम बंगाल में बयालीसवीं साइट के अंदर स्थित है. है अब पेपर में क्वेश्चन कहां से बनेगा सोचो पहले पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि पहले चालीस साइटें थे जिनको तीन भागों में बांटा गया था कल्चर नेचुरल और मिक्स कल्चर दोस्तों बत्तीस थी नेचुरल दोस्तों सात थी मिक्स आपकी एक थी

तो कल्चर में बत्तीस जगह पर चौतीस हो जाएंगी चौतीस याद रखना कल्चर है सात आपकी नेचुरल है एक आपकी मिक्स है तो जोड़ लो चौतीस सात और एक बराबर बयालीस इस प्रकार से सैटन जो चालीस थी अब बयालीस हो चुकी हैं इससे पहले उनतालीस अड़तीस थी अड़तीस में उनतालीसवीं बनी थी रामापा टेंपल तेलंगाना और धौलावीरा जिसका संबंध भारतीय स्टेट या राज्य गुजरात से था हो गया पूरा क्वेश्चन कवर आगे बढ़ो इसके बाद में रिसेंटली यूनेस्को ने हमारे भारत के अंदर दो क्रिएटिव शहरों को चुना है दो क्रिएटिव शहर नए शहर किस रूप में इसमें कोजी को चुना गया जो केरल के अंदर स्थित है भारत के अंदर भारत के अंदर लिटरेचर या साहित्य का शहर दूसरी बात याद रखना हमारे ग्वालियर को चुना गया है संगीत का शहर तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखोगे ग्वालियर चुना गया संगीत के शहर में और कोजी को चुना गया लिटरेचर के शहर लिटरेचर के रूप में एक और जोड़ा गया है धोरडो धोरडो ये धोरड़ो गांव याद रखना यूनेस्को की सहायता से भारत का पहला बेस्ट टूरिज्म विलेज बना है ये धोरडो कहां पर है ये आपके गुजरात के अंदर स्थित है इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया

मैथमेटिक्स में सस्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस पुरस्कार को मैंने आपको कल दोस्तों बहुत डिटेल में बहुत डिटेल में पढ़ाया था क्यों क्या कैसे कल वाली क्लास में आपने कवर किया था ठीक है तो ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं और सस्र रामानुजन पुरस्कार आज तक किसी भी भारतीय को नहीं दिया गया है इसको जीतने वाले की उम्र 32 वर्ष होती है लेकिन आईसीटीपी रामानुजन पुरस्कार को राम राम शामी के द्वारा जीता गया 2006 में जो भारत के प्रथम व्यक्ति थे आईसीटी पुरस्कार 45 वर्ष की एज में दिया जाता है उसको हमारे भारत में अंतिम बार नीना गुप्ता 2022 में जीता था तो कल मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा दिए थे आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्यों दिया गया नेशनल मैथमेटिक्स डे पर नेशनल मैथमेटिक्स डे बाईस दिसंबर को मनाया जाता है कल ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूरा आपका हो चुका है और कल मैंने एक बार एक बार और और बात बात बताई थी कि वर्तमान में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 भी दे दिया गया है किसको दिया गया है साल्ट एंड पेपर को दिया गया ये क्या है एक प्रकार की पुस्तक है एक प्रकार का नोवेल है इसको किसने लिखा है व्य पाल के द्वारा इनको लिखा गया पॉल के द्वारा लिखा गया इन्होंने लिखा है साल्ट एंड पेपर इसके लिए इनको रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया कॉपी में बस एक लाइन में लिख लेना इस क्वेश्चन को कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार आगे लिखना कावयता किस लिए तो याद रखना सॉल्ट एंड पेपर इतना लिखना कॉपी में और छोड़ देना और कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है आज का लास्ट सिक्स मंथ का रिवीजन ये भी कल हो चुका था हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो याद रखना ये पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लड़की को दिया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया था हाल ही में दोस्तों भारतीय सिनेमा का राइजिंग सुपरस्टार पुरस्कार किसको दिया गया कार्तिक आर्यन को दिया गया था पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑफ द लीज़न ऑफ़ मेरिट से दोस्तों सम्मानित किया गया क्वेश्चन नंबर तीन में याद रखना फ्रांस के किसे पहला कला लाइफ टाइम पुरस्कार पंडित दोस्तों पीडी बाउल को पांचवा हाल ही में पेंड पिंटर पुरस्कार 2023 किसको मिला है माइकल रोसेन को मिला पेन पिंटर पुरस्कार 2023 कौन सा पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 किसको मिला माइकल रोसेन को मिला है खत्म चलिए दोस्तों कल का आखिरी क्वेश्चन था नंबर चौथा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोन को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों चुना गया है अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से वैसे कर चुके हो लेकिन यहीं से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की देखो बात यह है दोस्तों नाम ऊपर जैसा कि आपको बताया गया मैक्रोन एमैनुएल इनका नाम क्या है इमेनुएल मैक्रोन दोस्तों इनका नाम है इमेनुअल मैक्रोन कौन है इमेन मैक्रोन याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ये बंदा दोस्तों याद रखना फ्रांस का राष्ट्रपति है फ्रांस के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑफिशियली इनवाइट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों इनको ऑफिशियली इन्वाइट किया है और ये क्या बन चुके हैं ये याद रखना आपके चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट ऑफ ऑफ ट्वेंटीन ऑफ जैन कब 2024 को क्यों तो 26 जनवरी को हमारा भारत याद रखना सेवेंटी फोर्थ नहीं अब सेवेंटी फिफ्थ याद रखना यादगार सेवेंटी फिफ्थ रिपब्लिक डे आजादी का अमृत महोत्सव है ना तो याद रखना रिपब्लिक डे के रूप में दोस्तों हमारा सेलिब्रेट कर रहा है दूसरी बात याद रखना भारत और फ्रांस क्यों क्योंकि दोस्तों याद रखना भारत और जो फ्रांस है भारत और जो फ्रांस है ये आपस में और भी कुछ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं याद रखना दोस्तों इनके 25 वर्ष ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ ईयर ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ ईयर दोस्तों याद रखना कंप्लीट हो चुके हैं किस चीज के याद रखना मोहब्बत के मतलब रिलेशन के कुल मिला के पच्चीस वर्ष पूरे हो चुके हैं इसका सेलिब्रेशन भी दोस्तों हमारे भारत के अंदर इसका सेलिब्रेशन भी दोस्तों हमारे भारत के अंदर छब्बीस जनवरी के उपलक्ष्य में कर लिया जाएगा फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा बार आने वाला देश बन चुका है सबसे ज्यादा फ्रांस याद रखना हमारे भारत में कितनी बार आ चुका है फ्रांस हमारे भारत में कितनी बार दोस्तों चीफ गेस्ट बन चुका है आप सोच के परेशान हो जाओगे इतनी बार बन चुका है सबसे पहले फ्रांस उन्नीस में भारत के अंदर आया उसके बाद याद रखना उन्नीस उस 1988 में आया उन्नीस आया अस्सी में आया, आया, आया। उसके बाद याद रखना दोस्तों उन्नीस उन्नीस में आया इसके बाद याद रखना दोस्तों 2008 में आया इसके बाद 2016 में आया अब की बार 2024 में दोस्तों आएगा अब आप मुझसे पूछोगे सर एक बात बताओ भारत के अंदर पहला चीफ गेस्ट कौन था भारत के अंदर पहला चीफ गेस्ट और सीधी सी बात है कब होगा 1950 में पहली बार कौन आया था उस व्यक्ति का नाम था सुकारो सुकार्नो का संबंध इंडोनेशिया से था इंडोनेशिया के पहले इंडोनेशिया से आने वाले पहले बने थे याद रखना यही आपसे पूछ दिया जाए 2019 में दोस्तों कौन सा लड़का आया 2019 में लड़का आया था साउथ अफ्रीका का लड़के का नाम लड़के का नाम सिरिल रामा सिरिल सिरिल रामा फोसा दोस्तों इनका नाम था और 19 के बाद 20 में याद रखना दोस्तों जो 2020 में सर जी कौन आया 2020 में आया था आए थे जेर नारो, नारो, ये कहां के थे ये ब्राजील के थे और अब ब्राजील के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं उनका नाम है लूला डी सिल्वा 2023 में सर जी कौन आया था 2023 में चौहत्वे रिपब्लिक डे पर दोस्तों याद रखना आपके 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 अब्देल फतेह अल सीसी आए थे कौन आया था अब्देल फतेह अब्देल फतेह अल सीसी आए थे जो याद रखना इजिप्ट के ए जो इजिप्ट के दोस्तों राष्ट्रपति थे ये था आपका पूरा क्वेश्चन जो खत्म हो चुका है अब यहां पर एक क्वेश्चन और निकलेगा कि 9 जनवरी को दोस्तों 9th ऑफ जैन 9 जनवरी 2024 को भारतीय प्रवासी दिवस पर भारत के अंदर मुख्य अतिथि कौन होगा इसके बारे में दोस्तों दूर दूर तक कोई भी खबर वर्तमान में अवेलेबल नहीं है यह बात आपको याद रखनी है अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि 9 जनवरी 2024 को भारत के अंदर कौन पधारेगा जो पधारेगा बता दिया जाएगा इस प्रकार से इमेन्युअल मैक्रोन भारत के अंदर दोस्तों पधारने वाले व्यक्ति दोबारा से बन चुके हैं ये आपने क्वेश्चन कवर किया इससे पहले कोलकाता बुकफेयर दो हजार जो था उसमें याद रखना हमारे भारत ने फ्रांस को प्रमुख भागीदार के रूप में सेलिब्रेट किया था आगे बढ़ोगे फ्रांस इनवाइटेड पीएम मोदी फॉर बेस्टल 14 जुलाई को अगर आपको याद हो दोस्तों 14 जुलाई को प्रत्येक वर्ष बेस्टल डी परेड के रूप में मनाया जाता है जैसे हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस है इसी प्रकार से 14 जुलाई को फ्रांस के अंदर भी दोस्तों यह दिवस मनाया जाता है बैस्टल डे परेड गेस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी दो हजार जर्नो। नौ दो हजार नौ में याद रखना पर पहले प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम है मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह दो हजार नौ में मोदी दो हजार तेईस में अब दोस्तों एक नजर में आते हैं और फ्रांस को करते हैं कवर किसी भी स्टूडेंट को दोस्तों कोई दिक्कत है तो तुरंत बता देना कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है या चीज चीज आ रही है किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो परेशानी हो तुरंत बता देना जब हम लोग फ्रांस की बात करते हैं फ्रांस का दूसरा नाम क्या है फ्रांस का दूसरा नाम याद रखना है, 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 है उसको आप लोग दोस्तों याद रखना पेरिस के रूप में जानते हो फ्रांस की पेरिस का पुराना नाम दोस्तों क्या है लुटेटिया फ्रांस की राजधानी पेरिस के लुटेटिया लुटेटिया के नाम से जानते हैं फ्रांस वो देश है जो किस कॉन्टिनेंट में स्थित देश है तो याद रखना फ्रांस आपके यूरोप में स्थित एक देश है फ्रांस आपका यूरोप में स्थित एक देश है फ्रांस के, के प्रधानमंत्री का दोस्तों नाम क्या है प्रधानमंत्री का नाम एलिजाबेथ फ्रांस प्रधान के प्रधानमंत्री का नाम एलिजाबेथ फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम एलिजाबेथ बोर्न ओ आर एन ई बोर्न दोस्तों इनका नाम है फ्रांस के अंदर किस करेंसी का प्रयोग किया जाता है फ्रांस के अंदर यूरो तथा दोस्तों फ्रैंक, याद रखना राजदूत का नाम क्या है तो जावेद अशरफ इनका नाम है जावेद अशरफ इनका नाम है जो भारत के दोस्तों राजदूत है इस देश के अंदर फ्रांसीसी क्रांति का जनक कौन है दोस्तों या फिर कह सकते हो फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों कब शुरू हुई रिवॉल्ट फ्रांसीसी क्रांति याद रखना दोस्तों उसका नाम था लुइस सोलवा लुइस सोलवे के शासन काल में यह बात है दोस्तों याद रखना सत्रह की सत्रह की एम योगदान देने वाले दो व्यक्तियों का नाम जो इतिहास में बार बार आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछता है योगदान देने वाले दो व्यक्तियों का नाम याद रखना एक का नाम दोस्तों वाल्टेयर था फ्रांसीसी क्रांति में एक का नाम दोस्तों था, दूसरे का नाम याद रखना एक नाम था एवं एवं इन तीनों का आप लोग नाम दोस्तों याद रखोगे तीनों व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों दिया था दूसरी बात याद रखना दोस्तों इस क्रांति को आगे बढ़ाया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा हमारे भारत और हमारे भारत और फ्रांस के भारत और दोस्तों याद रखना फ्रांस का पहला ट्रेड एग्रीमेंट कब होता है पहला ट्रेड एग्रीमेंट कब होता है उन्नीस में इन्होंने पहला दोस्तों याद रखना ट्रेड एग्रीमेंट किया था लेकिन दोस्तों याद रखना स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट कब किया था स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट हमारे भारत ने फ्रांस के साथ उन्नीस में मेरे दोस्तों कर दिया था कब किया था उन्नीस में फ्रांस दुनिया का ऐसा देश है जहां पर स्थित है लोवर संग्रहालय याद रखना दोस्तों लॉवर संग्रहालय लोवर संग्रहालय दुनिया का सबसे पुराना और दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है इसका नाम दोस्तों लॉवर है ये आपके फ्रांस के अंदर स्थित है ठीक है इतना इतनी सारी चीजें दोस्तों आप लोग याद रखोगे ब्रेल पद्धति जो होती है ब्रेल दिवस चार जनवरी को मनाया जाता है उसका निर्माता भी दोस्तों याद रखना फ्रांस है फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में दोस्तों गणतंत्र शब्द प्रस्तावना में गणतंत्र स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व यह हम लोगों ने फ्रांस के संविधान से लिया संविधान सभा की बैठक किस प्रकार से होगी यह बात भी हम लोगों ने फ्रांस से ली है इस प्रकार से पूरा फ्रांस दोस्तों यहां तक आपका खत्म होता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भारत और फ्रांस के मध्य के भारत और फ्रांस के द्वारा फ्रांस ने भारत का सपोर्ट किया था इंडिया लेटेस्ट कम्युनिकेशन सेटेलाइट जी सेट जी सेट को लॉन्च करने में भारत का सपोर्ट फ्रांस ने किया था तुम्हारे पेपर में पूछे अरुणा साई को किस देश का सेवेरियर पुरस्कार मिला तो अरुणा साई को फ्रांस सरकार ने सेवेरियर पुरस्कार से सम्मानित किया था तुम्हारे पेपर में पूछ दे वर्तमान में ऐसा कौन सा देश है जिसने ऑपरेशन बरखाने को समाप्त किया है अफ्रीका के अंदर उस ठीक है इसीलिए दोस्तों क्या इसीलिए क्या हुआ था इसीलिए याद रखना सारा वालों जो स्थल पर देशों में तख्ता पलट हुआ था इसीलिए फ्रांस इत्यादि देशों ने अपनी सेना को लगाया था हमारे भारत की सेना भी यहां पर लगी हुई है याद रखना महिलाओं का दस्ता गया है यहां पर अवेलेबल होने के लिए यूनाइटेड नेशन की सहायता से ताकि यहां पर शांति इत्यादि बनाई जा सके अगला क्वेश्चन है दोस्तों सरफेस वाटर एंड ओशन ट्रोफोफी वर्तमान में मिशन मिशन दोस्तों दोस्तों किस देश का है शोट मिशन को याद रखना हाल ही में फ्रांस ने लॉन्च किया था इसको लॉन्च करने की वजह क्या थी अर्थ वाटर मतलब पृथ्वी पर किस किस स्थान पर कैसा पानी है इसका अवलोकन करने के लिए नासा ने फ्रांस के साथ में अर्थ वाटर की खोज करने के लिए दोस्तों सोट मिशन को लॉन्च किया था याद रखना इंपॉर्टेंट है

तो सेशन आपको पूरा लेना है क्योंकि अपडेट स्टैटिक साथ में है और साथ में ही गतिविधि सीरीज भी अवेलेबल है तो दोस्तों हाल ही में किस मंत्रालय ने जूट की किसानों के लिए पाठ मित्रों ऐप का अनावरण कर दिया पाठ मित्रों ऐप अब भैया कमेंट करके बताओ कौन कर सकता है इसको लॉन्च ठीक है कोई भी स्टूडेंट हो बताए क्वेश्चन का आंसर पाठ मित्रों एक प्रकार का हमारे भारत के अंदर लॉन्च किया गया एक एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को दोस्तों किसके द्वारा इस एप्लीकेशन को मेरे दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये आप मुझे बताओगे पीयूष गोयल के द्वारा बहुत बढ़िया मेरे भाई मुझे यही पता था कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर मुझे दोगे टेक्सटाइल बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को कि आप लोग बहुत दिमाग लगाने लगे हो शुक्र मनाओगे किसी ने दोस्तों कृषि मंत्रालय आंसर नहीं किया किसान है तो कृषि मंत्रालय मार दो बहुत बढ़िया चलिए टेक्सटाइल टेक्सटाइल मिनिस्टर का नाम क्या है टेक्सटाइल मिनिस्टर का नाम आपको याद रखना है पीयूष गोयल दोस्तों आपको याद रखने हैं पीयूष गोयल जो टेक्सटाइल के वर्तमान में मिनिस्टर हैं इसके साथ में एक पॉइंट हम आपको बता दें यहां से क्वेश्चंस निकल के कौन सा आएगा रिसेंटली भारत टैक्स 2023 रिसेंटली याद रखना दोस्तों भारत टैक्स 2024 को वर्तमान में दोस्तों होस्ट कहाँ किया गया था इसको दोस्तों होश किया गया था आपके दिल्ली के अंदर जो टेक्सटाइल पार्कों से संबंधित था लेकिन यह क्वेश्चन किससे संबंधित है यह किसानों से संबंधित है इसको, से? इसको एक तो आपका दोस्तों कपड़ा मंत्रालय इसमें एक तो मंत्रालय आपका आ गया जिसको आप लोग कपड़ा मंत्रालय कहते हो इसके साथ में हमारे भारत के अंदर जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जूट कॉरपोरेशन ठीक है साथ में याद रखना जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भागीदारी से इसको साथ में दोस्तों लॉन्च किया गया है ऐसे आपको याद रखना है ये किसको लाभ देगा ये दोस्तों किसको लाभ देगा यह याद रखना दोस्तों कृषि से संबंधित या दोस्तों कह सकते हो जो हमारा जूट होता है ये क्या करेगा दोस्तों याद रखना जो जूट के फार्मर्स होते हैं जूट के दोस्तों फार्मर्स होते हैं इनको एम से संबंधित मिनिमम सपोर्ट प्राइस से संबंधित दोस्तों जितने भी लाभ हो सकते हैं इन लाभ की सीधी जानकारी देगा MSP से संबंधित लाभ की सीधी जानकारी देगा ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा और बेहतर भाव किसान भाइयों को मिल सके इतनी बात आपको याद रखनी है ये बात कब हुई है ये बात याद रखना भारत में जूट संगोष्ठी के दौरान ये कब हुआ है दोस्तों याद रखना ये भारत के अंदर जूट संगोष्ठी का आयोजन किया गया उस समय ये बात हुई है ये कहां हुई है जूट संग संगोष्ठी चलिए दोस्तों तो ये हो गया आपका कपड़ा मंत्रालय अब हम लोग कहाँ पे फंसे हुए थे हम लोग पार्क से हमारे भारत के अंदर याद रखना दोस्तों पीएम पीएम मित्र मित्र पार्क पार्क हमारे भारत के अंदर की जब बात करते हैं कभी कभी इन सिचुएशन से लड़ना सीखो काफी लोगों को का आ रहा है सर जी बाय कम कैमरा बंद हो सर रोज के रोज क्या हो रहा है ये देखो हम आपसे यही कहेंगे कि इस YouTube चैनल पर लाखों टीचर्स हैं

एक लाखों उससे उन, मुझे, मुझे क्या मतलब ऐसा खैर मेरी फिलहाल में आदत नहीं है तो इस कैमरे के साथ थोड़ा काम चलाना पड़ेगा मुझे जब तक कि मैं इन चीजों में समृद्ध नहीं हो जाता है ना लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि आप लोगों का सपोर्ट दूर हो गया उसी दिन मैं चैनल बंद करके लाखों चैनल से आपके यहाँ पर जितने तुम चैनल को देख रहे हो ना उसमें से जहां पर करंट अफेयर बेहतर नहीं है वो सारे मेरे पास ऑलरेडी कोई एक लाख का ऑफर दे रहा है कोई दो लाख का ऑफर दे रहा है कि सर आओ कमाते हैं मिल के ये पैसा हम लोग कहाँ से कमाएंगे तुम लोगों की जेब से निकालेंगे तुम लोग दोगे अभी नखरे दोगे आपको पता है इस इंडिया के अंदर कोई नहीं है जो मेरी टक्कर सामने से ले पा रहा हो किसी में दम नहीं है सारे के सारे मुझे है 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 है। हर हर के मुझे गिराने में लगे हैं कि इसलिए नहीं होता क्योंकि परसा परसा की जब बात करते हैं पीएम मित्र पार्क याद रखना भारत सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 में कपड़ों के लिए दोस्तों पीएम पित्र मार्ग को लॉन्च कर दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहायता से इसके तहत भारत के अंदर कितना बजट लॉन्च किया गया था चार हजार चार सौ दोस्तों चार सौ पैंतालीस करोड़ रुपए लॉन्च किए गए थे अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों में भारत का एक राज्य दोस्तों तमिलनाडु भारत का एक राज्य आपका तेलंगाना भारत का एक राज्य आपका गुजरात एक राज्य भारत का कर्नाटक एक राज हमारे भारत का दोस्तों मध्य प्रदेश एक राज्य हमारे भारत का उत्तर प्रदेश एक राज्य दोस्तों हमारे भारत का जिसको हम लोग महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं इस हिसाब से तमिलनाडु तेलंगाना गुजरात कर्नाटक मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और एक आपका महाराष्ट्र भारत के सात ऐसे राज्य हैं जहां पर दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है तो आज का जो एप्लीकेशन था वो ये था पार्ट मित्रो एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया पार्ट मित्रो एप्लीकेशन टेक्सटाइल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री पीयूष गोयल की सहायता से भारत में लॉन्च किया गया आगे बढ़ोगे अभी मैंने आपको पढ़ाया था भारत टैक्स 2024 को होस्ट किसने किया भारत टैक्स 2024 को होस्ट किया गया आपके दिल्ली के द्वारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान में एआई पावर्ड न्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम कृषि 24 फोर तो कृषि 24 फोर जो है ठीक है तो कृषि ट्वेंटी फोर इंटू सेवन याद रखना इसको भी किसने लॉन्च किया था कृषि मंत्रालय की सहायता से दोस्तों याद रखना इसको लॉन्च किया गया था अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा युवा भारत मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों लॉन्च किया है याद रखना मेरा युवा भारत यानी कि माय भारत एक प्रकार का एक प्रकार का दोस्तों मंच है इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे ऐप एंड पोर्टल वाले हैं अगला है सागर सेतु एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया था इसको याद रखना दोस्तों हमारे सर्वानंद सोनोवाल जहाज रानी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था अगला क्वेश्चन है सक्सेस का मार्ग सक्सेस का मार्ग हमारे भारत के अंदर एक दोस्तों ऑपरेशन है इसको नीति आयोग की सहायता से स्टार्टअप के लिए भारत के अंदर लॉन्च किया गया था सक्सेस का मार्ग आगे आओगे दोस्तों ई कुंभ पोर्टल किसने लॉन्च किया भारत में ई कुंभ पोर्टल ई-कम्बो पोर्टल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया था अगला है याद रखना बाईस लैंग्वेजेस के साथ में भाषा संगम ऐप को पेपर में पिछली बार पेट के एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था भाषा संगम ऐप कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया था तो भाषा संगम ऐप भारत की आधिकारिक 22 भाषाओं में लॉन्च किया गया था भाषा संगम ऐप खत्म क्वेश्चन आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों 6 हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुनकर सस्पेंड कर दिया गया है आपका यहाँ पर एन श्रीकांत संजय सिंह तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों याद रखना संजय सिंह होगा सबसे पहले इसकी डिटेल लिखो आप लोग क्या है क्यों है कैसे है जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों याद रखना हमारे संजय सिंह की तो संजय सिंह पर विभिन्न प्रकार के क्या लगे हैं दोस्तों आरोप लगे हैं संजय सिंह पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगे सिद्ध हुए नहीं हुए कोई पता नहीं लेकिन ये आरोप दोस्तों वर्तमान में लगे हैं इन आरोपों को दोस्तों किसने लगाया है अगर आपसे ये पूछा जाए इन आरोपों को दोस्तों किसने लगाया है हमारे भारत के दोस्तों भारतीय राज्य हरियाणा से संबंधित बजरंग पुरियां वगैरह जितने भी लोग हैं दोस्तों रेस्लर सबके द्वारा इनके ऊपर विभिन्न प्रकार से विभिन्न प्रकार से चीजों को दोस्तों लगाया गया है इसमें याद रखना है आपको इन्होंने किस किसके के हुआ था चुनाव तो इलेक्शन हुआ था दोस्तों ये इलेक्शन हुआ था ये इलेक्शन हुआ था दोस्तों संजय सिंह और वर्सेस में दोस्तों याद रखना वर्सेस में थी आपकी अनीता वर्सेस में थी याद रखना अनीता शिवराड़ अनीता शिवराड़ और अनीता शिवराड़ इनको वोट कितने मिले इनको याद रखना के बयालीस इनको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सात वोट मिलते हैं इलेक्शन में उसके विनर हो जाते हैं। उसमें जो दूसरी बात याद रखना ध्यान से जब हम लोग बात करते हैं किसमें किए की गए, गए हैं भारतीय कुश्ती महासंघ इसको कहा जाता है फेडरेशन इंडिया। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है रेसलिंग फेडरेशन रेसलिंग अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ आर्टिस्ट बाकी है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों इसको हम लोग जानते हैं इसमें आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना कब होती है जिसको आप लोग दोस्तों फॉर्मेशन कहते हो इसकी स्थापना याद रखना दोस्तों 27 ऑफ जन सत्ताईस ऑफ जैन 1967 किसकी स्थापना सर इसका मुख्यालय कहाँ पर है इसका मुख्यालय जो है यह आपके दोस्तों नई दिल्ली में है इसके प्रेसिडेंट जो है वो है नहीं ध्यान से पहले मेरी बात सुनना प्रेसिडेंट का नाम दोस्तों संजय सिंह लेकिन वर्तमान में इस व्यक्ति को चुनने के बाद भी दोस्तों याद रखना सस्पेंड कर दिया गया है लो सस्पेंड चुना और बाद में इसको सस्पेंड कर दिया पेपर में पूछा जाए वर्तमान में दोस्तों इसके सेक्रेटरी का नाम क्या है जो आईएएस पीसीएस अफसर होते हैं वीएन प्रसाद वीएन दोस्तों प्रसाद इनका नाम है अगर सच में देखा जाए जैसे आप लोग पढ़े लिखे हो आप लोग अपने मां-बाप का सपना पूरा कर रहे हो सोच के देखो संजय सिंह कितने पढ़े लिखे होंगे वगैरह वगैरह जो भी है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड चुनाव हो रहे हैं Of India में आपको नहीं लगता कि आप ही में से चुनाव होना चाहिए बच्चों स्टूडेंट्स का जो सिलेक्टेड है मे, क्वालिफाई करके जाते हैं आई एस पी सी एस जो सीटरी होते हैं आपका मत क्या है क्या वगैरह को ये पद नहीं दिया जाना चाहिए प्रेसिडेंट का कि अभी प्रेसिडेंट कौन है क्या आपको लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक है तो ये आपके सामने क्वेश्चन है यहां पर बहुत बड़ी एक वारदात दोस्तों होती है अब इसमें बहुत बड़ी वारदात क्या होती है अब मेरी बात ध्यान रखना यहां पर हमारे यहां पर याद रखना जो साक्षी मलिक है दोस्तों साक्षी मलिक ने इस्तीफा दे दिया नाम क्या है दोस्तों याद रखना साक्षी मलिक साक्षी मलिक ने दोस्तों कुश्ती से इस्तीफा दे दिया साथ में दोस्तों याद रखना हमारे बजरंग जो पूर्णिया थे इनको हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था इन्होंने अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर दिया संजय सिंह के चुने जाने के बाद में अब भारत सरकार ने उल्टी विपक्ष में क्या किया संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया यह क्वेश्चन कुल मिला के था ध्यान रखना अभी वर्तमान में कौन क्या नियुक्त किया गया कुछ पता नहीं है संजय सिंह को नियुक्त करने के बाद में इनको दोस्तों पुनः सस्पेंड कर दिया गया क्या आरोप है वो ऑलरेडी आपको पता है न्यूज में बताने लायक कोई चीज नहीं है अगला क्वेश्चन आपके साथ में रिवीजन के तौर पर आरडीए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया परमा सेन को दोस्तों नियुक्त किया गया किसको परमा सेन को अगला है दूसरा मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने मोहन यादव याद रखना मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने पेपर में पूछ दे हाल ही में किसे बीसी बीबी बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया समीर साहब याद रखना समीर साहब को नियुक्त किया गया है अगला क्वेश्चन है चौथा हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने किसे नया डीजीपी नियुक्त किया है रवि गुप्ता को दोस्तों नया डीजीपी नियुक्त किया है आपको एक बात पता है अब की बार 2024 में सबसे बेसिक एग्जाम कौन सा होने वाला है जिसमें भारत के अंदर अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अपने आप को एवरेज महसूस करता हो ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें वो सिलेक्शन ले सकता है एकमात्र एग्जाम दोस्तों सिर्फ भारत के अंदर एकमात्र एग्जाम और सबसे एग्जाम में से उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस सॉरी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ में आपका एस एस ये वो एग्जाम है आपकी बार दोस्तों सबसे ताकतवर एग्जाम में होने वाले हैं क्यों होने वाले हैं पिछले पिछला जो एनालिसिस था उसके हिसाब से उनका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ जिस प्रकार से चीजें हैं उस हिसाब से अब की बार और यूपी पुलिस का पेपर आप लोग देखना अभी ये जो हजारों वाले हैं ना इनकी हालत खराब होने वाली है है ना कि दस हजार चल रहे बीस हजार ये वो फलाना अब आप देखना आपके बार क्या होगा पेपर में सबसे नॉर्मल एग्जाम अब की बार जो होने वाला है एस एस का दोस्तों होने वाला है एसएससी CHSL अब की बार का इंडिया का सबसे नॉर्मल एग्जाम होगा एवरेज स्टूडेंट भी इसके अंदर जा सकता है और बहुत अच्छी पोस्ट मिलती है CHSL से डिफेंस में भी आप लोग जा सकते हो तो आगामी दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टी20 टीम का कप्तान किसको नियुक्त किया गया सूर्यकुमार यादव को दोस्तों नियुक्त तो किया गया है खत्म आगे आओ साथ पर हाल ही में किसे हाल ही में किसे सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के के लिए स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया वन लाइनर क्वेश्चन याद रखना सलाम बॉम्बे फाउंडेशन जो नॉन ऑर्गेनाइजेशन है नॉन गवर्नमेंटल है यह दोस्तों मुंबई के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को चल चीजों को चलाता है सरकार के साथ मिलकर इसके वर्तमान में राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया एम एस धोनी को किया गया आर माधवन को किया गया चेतन भगत को किया गया अमृता रायचंद्र को किया गया तो अमृता रायचंद का नाम याद रखना अमृता रायचंद इनका नाम है। ये वर्तमान में हेल्थ एम्बेसडर दोस्तों बनी है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सलाम बॉम्बे ठीक है सूर्य कुमार की याद है सर क्यों डरा रहे हो संजय नहीं डरा नहीं रहे हैं हम आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है देखो एग्जाम में टफ जो चीज आती है वो वो सिर्फ एक चीज़ होती है है जीके जीएस क्योंकि वो बहुत बड़ी है, कहीं से भी आ सकती है तो आप लोग क्यों परेशान लो परेशान तो जो चीजें आपके पक्ष में ना होती आप लोग क्यों परेशान हो मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आपको बिल्कुल अपडेट पैटर्न पर साथ में रिवीजन करते हुए हालिया के नए ब्रांडर सौरभ गांगुली त्रिपुरा पर्यटन आर माधवन इंश्योरेंस कंपनी एको, पंकज त्रिपाठी यूपीआई सुरक्षा राजदूत एमएस धोनी भारत स्टेट बैंक और लेज के कैटरीना कैफ स्विस घड़ी निर्माता राडो चेतन भगत हेनरी हार्विन शिक्षा मयंक सिंह धोनी लेज मोहम्मद समी को स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये हाल ही के दोस्तों नए ब्रांड एंबेसडर जो आपने कवर कर लिए एक क्वेश्चन मेरा बता दो उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में दोस्तों ने किया गया एक क्वेश्चन है का बताओ फिर हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे ठीक है हाँ जी आज और कल की दोनों करंट अफेयर आज कर रहे हैं दस क्वेश्चन अभी हो जाएंगे दो चार मिनट में ये सातवां आठवां था नौवां दसवां उसके बाद कल वाली करंट अफेयर भी आज कवर कर लेंगे मतलब आज वाली करंट अफेयर वन लाइनर और आपकी मतलब डिटेल में जो इंपॉर्टेंट हो सकती है और गतिविधि सीरीज बताइए आंसर दोस्तों क्या होगा भैया मतलब सिर्फ पुलिस मीठी बीपीएससी जी ऑफ कोर्स नो इशू परेशान मत होइए आप परेशान मत होइए सिलेक्शन इलेक्शन के लिए परेशान नहीं होते वो भी किसकी क्लास में परेशान हो रहे हो ये तो सोच लिया करो कम से कम किसकी क्लास में परेशान हो रहे हो डोंट वरी किसके अगर आप लोग ओ, बताएंगे बताएंगे मेरे पास कुछ आया है आप लोगों के लिए बताएंगे कि किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता क्वेश्चन का होगा वो याद रखना सुरेश रैना आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों आठ हाल ही में किस राज्य में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया है लखपति दीदी सम्मेलन के अंदर लखपति दीदी सम्मेलन के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पार्टिसिपेट किया निम्न से दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है उस राज्य का नाम दोस्तों याद रखना आपका राजस्थान हो जाएगा लखपति दीदी जो स्कीम है जैसा कि दोस्तों आपको पता है लखपति दीदी से संबंधित एक कॉन्फ्रेंस जहां पर दोस्तों जो महिलाएं होती हैं वुमन जो होती हैं इनको क्या किया जाएगा दोस्तों इनको आत्मनिर्भर बनाने की योजना इनको दोस्तों याद रखना आत्मनिर्भर बनाने की योजना और की जो महिलाएं होती हैं इनको दोस्तों और ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा जो इनका ग्रुप होता है इनको और ज्यादा दोस्तों पार्टिसिपेट और और ज्यादा इनको सपोर्ट दोस्तों किया जाएगा इसका शुभारम्भ किसने किया था इसका शुभारंभ याद रखना भारत 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 की प्रेसिडेंट हमारी मुर्मू जी मारी मुर्मू जी और किसने इसका उद्घाटन किया याद रखना गवर्नर ऑफ गवर्नर ऑफ राजस्थान गवर्नर का नाम क्या है गवर्नर का नाम याद रखना दोस्तों कलराज मिश्र इनका नाम है कलराज मिश्र दोस्तों इनका नाम है जो वर्तमान में गवर्नर ऑफ दोस्तों क्या बने हैं आपको पता है लगे हाथों तो, इस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है इस राज्य के दोस्तों मुख्यमंत्री का नाम याद रखना भजन लाल शर्मा दोस्तों भजन लाल शर्मा इनका नाम है कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं याद रखना दोस्तों चौदहवें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं किस पार्टी से इनका संबंध है भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है अशोक गहलोत का इन्होंने दोस्तों स्थान ले लिया था इसी के साथ में याद रखना दोस्तों पोनम सिंह स्टेडियम ये जो आपका ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है राजस्थान के अंदर ये कहाँ पे हुई है पोनम सिंह स्टेडियम के अंदर पर पोनम सिंह सिंह स्टेडियम के अंदर सिंह स्टेडियम पर है जैसल जैसलमेर के अंदर पोनम सिंह दोस्तों स्टेडियम इस स्थापित है इसमें होगा क्या ये जो स्कीम है ना लखपति दीदी स्कीम किसने शुरू की थी इसको दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था और क्या कहा था हमारे भारत के अंदर दो लाख दो करोड़ महिलाओं को सी आर ओ आर दो करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना इसका प्रमुख दोस्तों लक्ष्य होगा इसके तहत जो राजस्थान में कार्यक्रम हुआ है यहां पर दोस्तों याद रखना कितना अनावतरण ग्यारह दशमलव चौबीस लाख ग्यारह दशमलव याद रखना चौबीस लाख महिलाओं को यहां पर दोस्तों लाभांचित करने का लक्ष्य किसने रखा तो याद रखना दोस्तों ग्यारह दशमलव चौबीस लाख महिलाओं को लाभांचित करने का कर लक्ष्य ये रखा है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हो गया क्वेश्चन पेपर में कह दिया जाए लखपति दीदी योजना को लॉन्च कब किया गया था लखपति दीदी योजना को 15 अगस्त 2023 दो को दोस्तों लॉन्च किया गया था ये बात भाषण के दौरान प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोबारा कही थी क्वेश्चन आपका दोस्तों पूरा हो जाता है किन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित महिलाएं हैं तो राजस्थान के अंदर क्या हुआ है राजस्थान की SHG की लखपति महिलाओं से मिलेगी प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह क्वेश्चन क्वेश्चन समाप्त हो गया है पहला question, क्योंकि ये था आर्ट एंड कल्चर से तो आर्ट एंड कल्चर का रिविजन पचन भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था आंसर सीधा मार देना मेरे लाल लड़ो क्वेश्चन का आंसर आपका गोवा होगा अगला है दूसरा दो दिवसीय विश्व मत्स्यकी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था याद रखना दोस्तों आपके अहमदाबाद में सम्मेलन हुआ था तीसरा देखो हाल ही में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ यह सम्मेलन आपके दोस्तों हैदराबाद में हुआ अगला है चौथा भारतीय नौसेना की गंडी संगोष्ठी दो किस स्थान पर आयोजित हुई थी के, के केरल में हुई थी जहां पर आ जाए लास्ट सिक्स मंथ समझ जाओ आप अपने एग्जाम के करीब आ चुके हो क्यों ये ये जो लास्ट मंथ है ना ये हम एमसी रिवीजन करवा दे क्यू इसलिए लाते हैं ताकि तो आपकी अभी से आदत पड़ जाए और यहीं से देखना सीधा क्वेश्चन पेपर में एड करेगा इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि नोट्स मत बनाओ क्यों पूरी दुनिया कहती है सर नोट बनाने के लिए मैं क्यों नहीं कहता मैं इसलिए कह नहीं कहता मैं आपसे कहता हूं कि एक पेपर लेके बैठा करो एक पेपर में बस ये बात लिखनी है नॉर्मल टू द पॉइंट और जो लास्ट सिक्स मंथ का डाटा होता है डेली रिवीजन के रूप में आता है इसलिए आपको लिखना नहीं है अब समझ गए ठीक है सर इसके साथ में आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर नौ हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर ने किस शहर में वेद विज्ञान और सांस्कृतिक महाकुंभ का शुभारंभ किया है हमारे भारत के अंदर किसके बारे में बात बताने के लिए हमारे भारत के अंदर दोस्तों वेदों के ज्ञान के बारे में बताने के लिए हमारे भारत के अंदर दोस्तों विज्ञान के बारे में बताने के लिए हमारे भारत के अंदर हमारे भारत की दोस्तों जो संस्कृति है इसको बताने के लिए हमारे भारत के अंदर दोस्तों याद रखना राज्यसभा के राज्यसभा के तथा हमारे भारत के उपराष्ट्रपति तथा हमारे भारत के उप उपराष्ट्रपति तथा हमारे भारत के दोस्तों याद रखना उपराष्ट्रपति और पूर्व गवर्नर और या और याद रखना दोस्तों बेस्ट बंगाल के और बेस्ट बंगाल के पूर्व गवर्नर और बेस्ट बंगाल के पूर्व गवर्नर उनका नाम क्या है तो याद रखना जगदीप धनखड़ दोस्तों उनका नाम है सब लोग इनके नाम से वाकिफ हैं और वर्तमान में न्यूज में भी हैं ये जगदीप दोस्तों धनखड़ कोई भी कमेंट करके ये बता दे भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं तो इन्होंने इसका शुभारंभ दोस्तों किस स्थान पर किया इन्होंने इसका शुभारंभ याद रखना आपके हरिद्वार में कर दिया है इन्होंने इसका शुभारंभ हरिद्वार का मतलब होता है उत्तराखंड हरिद्वार उत्तराखंड में दोस्तों इसका शुभारंभ इन्होंने दोस्तों वर्तमान में कर दिया ये आपके सामने क्वेश्चन था क्यों ताकि भारत के अंदर वेद विज्ञान संस्कृति इत्यादि की दोस्तों जो भावना है ये हमारे भारत के अंदर दोबारा से आ सके और इस क्वेश्चन में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है आंसर आंसर जो था वो हरिद्वार उत्तराखंड करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा इतनी के हमको पढ़ने आते है। अच्छा के है सर जी तो जगदीप धनखड़ जो है याद रखना चौदह नंबर के दोस्तों प्रेसिडेंट है भारत के आपके सामने क्वेश्चन उपराष्ट्रपति ने सांस्कृतिक महाकुंभ का दोस्तों क्या शुभारंभ कुंभ की जब बात आ जाए तो याद रखना दोस्तों महाकुंभ तो ऑलरेडी आपको पता है अगर आपसे महाकुंभ की बात कह दी जाए महाकुंभ आपको पता है प्रत्येक वर्ष दोस्तों बारह साल बाद संपूर्ण दोस्तों महाकुंभ पड़ता है और अर्ध महाकुंभ का पड़ता है छह साल बाद भारत के अंदर भारत का पहला कुंभ दोस्तों म्यूजियम जिसको संग्रहालय कहा जाता है ये कहां पर बनाया गया भारतीय राज्य आपके दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया गया भारत का पहला टेम्पल म्यूजियम कहां पर बनाया गया भारत का पहला दोस्तों टेम्पल म्यूजियम भी आपके उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया गया भारत के अंदर रामा लैंड कहां पर बनाया जा रहा है रामा लैंड भी आपके उत्तर प्रदेश के अंदर दुनिया में राम राजा राम राजा म्यूजियम कहां पे बनाया गया राम राजा म्यूजियम मध्य प्रदेश के अंदर भारत के अंदर हनुमान लोक भारत के अंदर दोस्तों हनुमान लोक का शुभारंभ कहा किया गया मध्य प्रदेश के अंदर सारे कल्चरल प्रोग्राम है अगला क्वेश्चन आपके सामने मध्य प्रदेश का पूरा हो चुका है पहला क्वेश्चन किस राज्य में कृषि महोत्सव राजा का किया गया था दोस्तों आयोजन कृषि महोत्सव नाम है राजा ओ आजा मेरे राजा उह 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 उह। आंसर जो होगा वो दोस्तों उड़ीसा होगा अगला है संस्कृत मंत्रालय और माई गवर्नमेंट ने किस नाम से सिंगिंग टैलेंट हम लाखों बार बताया गया क्वेश्चन है नाम से गायन, गायन गौरव के नाम से या युवा गायक के नाम से सीधा आंसर मार दो युवा प्रतिभा के नाम से दोस्तों इसको लॉन्च किया तुम्हारे पेपर में पूछे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चौदहवें राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ राजस्थान के दोस्तों अंदर किया था ये नेशनल लेवल पर था हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन कर रहा है धनु यात्रा उत्सव भारत के अंदर सिर्फ एक राज्य से सेलिब्रेटेड है उस राज्य को आप लोग दोस्तों उड़ीसा के नाम से जानते हो किस नाम से मेरे भाई उड़ीसा के नाम से यहां तक चीजें कवर हुई कोई दिक्कत किसी को स्टूडेंट को बता देना भाई सीधी सी बात है अगला देखो अल्ले 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 अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों वह है हाल ही में महिलाओं के अधिकारों की चैंपियन डॉक्टर वी मोहनी गिरी का किस वर्ष में दोस्तों निधन हो गया छियासी वर्ष में दोस्तों निधन हो गया महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा एनसीडब्ल्यू नेशनल तथा दोस्तों याद रखना नेशनल क्या होता है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन याद है नेशनल कमीशन फॉर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की दोस्तों याद रखना फॉर्मर प्रेसिडेंट दोस्तों ये रह चुकी हैं याद रखना उन्नीस से लेके उन्नीस तक इसकी ये क्या याद रखोगे दोस्तों पूर्व चेयरमैन पूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं इन्होंने महिलाओं में इतना काम किया महिलाओं के लिए कि इनको 2007 में इनको 2007 में याद रखना पद्म एसएससी जीडी वालों ध्यान रखना पद्म भूषण पुरस्कार से एसएससी जीडी एसएससी सीएचएसएल एमटीएस जितने भी एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस सब में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है 2007 में मिला था पद्म भूषण यही पर अपडेट क्वेश्चन पूछेगा एनसीडब्ल्यू के बारे में नेशनल कमीशन फॉर वुमन की स्थापना कब हुई थी नेशनल वुमन की, वुमन की स्थापना उन्नीस सौ उन्नीस सौ दोस्तों बानवे में हुई थी नेशनल कमीशन फॉर वुमन का मुख्यालय सर किस स्थान पर है दिल्ली में मुख्यालय है सर जी वर्तमान में इसके चेयरपर्सन का नाम क्या है वर्तमान में पर्सन का नाम रेखा शर्मा हो जाएगा क्या हो जाएगा रेखा शर्मा हो जाएगा इस हिसाब से दसवा क्वेश्चन जो था वो कवर हुआ डॉक्टर दोस्तों मोहनी गिरी से पास्टे किस उम्र में निधन छियासी में और पद्म भूषण कब मिला 2007 में अब आती है 26 दिसंबर आज की करंट अफेयर में आज की करंट अफेयर का कल का पहला क्वेश्चन तो आपने कवर कर ही लिया था दोस्तों 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है जो आपने कल मेरे साथ कवर कर लिया था कल की क्लास के हम लोगों ने पूरी करंट अफेयर कवर नहीं कर पाई थी चार क्वेश्चन कवर कर पाए थे और बचे हुए आज पूरे कर लिए हैं और आज के करंट अफेयर को वन निपटा दो कल हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन तो खैर कवर कर ही लिया था दूसरा क्वेश्चन था हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने गौरवपूर्ण पचहत्तर वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली से किस शहर तक कार रैली का दो सौ शुभारंभ किया है मैंने अपनी लाइफ में पहला पेपर क्वालिफाई जब किया था वह दोस्तों देखो सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ में दो पेपर दिए थे और दोनों में बहुत गजब तरीके से हम फेल हुए थे ऑफ कोर्स मैं मानता हूं दो पेपर ट्वेल्थ के बाद मैंने दिए और बहुत गदर तरीके से हम फेल हुए थे आप सोच नहीं सकते हो वहां पर मेरे नंबर कैसे आए थे अगर आ, सरकार के पास ग्रेड सिस्टम होता माइनस वाला तो सरकार मुझे माइनस में डाल देती मेरे ऐसे नंबर आए थे उसके बाद दोस्तों पता क्या हुआ मैंने एग्जामिनेशन की तैयारी करनी छोड़ दी ये मेरी जिंदगी की बात है मैंने एग्जामिनेशन की तैयारी करनी छोड़ दी फिर पता क्या हुआ मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकया हुए उसके बाद जिंदगी बदली और पता है 2018 जुलाई के महीने में पहली बार दोस्तों हम दिल्ली में आए हम दिल्ली में पैदा हुए हैं सब कुछ दिल्ली में हुआ है फिर अपने मम, मम्मी पापा के लीवर में इशूज था अपने घर पे चले गए देन दोबारा 2018 में जुलाई से हम दिल्ली में आए पहला एग्जाम क्वालिफाई फोर्स MNR, ये भी दोस्तों, ने, नेवी के अंदर कुक वाला होता है। कुक की थी हमने कुक बनेंगे छोड़ दी इसमें भी नहीं ये इन दोस्तों नहीं गए ज्वाइनिंग लेटर मेरी एक्स वाई ग्रुप में एस एस सी जी डी साथ में यूपी पुलिस फर्स्ट बैच जब चालीस हजार आया था उस समय इतनी सारे सिलेक्शन लेकिन आज तक क्यों मतलब जाना तो है ही लेकिन जाना कहाँ है वो रास्ता थोड़ा मेरा अलग है इसलिए दोस्तों यहाँ पर है आपके लिए नहीं तो पता नहीं अभी तक बहुत अच्छी पोस्ट पे होते तो दिल्ली से नेशनल डिफेंस एकेडमी की यहाँ पर दोस्तों बात की गई है एनडीए की बात की गई है एनडीए में पूरे मिलाकर दोस्तों याद रखना पचहत्तर वर्ष दोस्तों एनडीए के पूरे हो चुके हैं और इसीलिए इन्होंने कार रैली का शुभारंभ किया यह कार रैली दोस्तों कहां से कहां तक स्टार्ट हुई है यह दोस्तों याद रखना आपके पूरे तक गई है कार रैली पूरे से गई है याद रखना दोस्तों इसको स्टार्ट कहां से किया गया तो याद रखना दोस्तों इसको स्टार्ट start वैसे स्टार्टिंग जो इसकी हुई है वह आपके दोस्तों दिल्ली से हुई है दिल्ली से दोस्तों इसकी स्टार्टिंग हुई है लेकिन ऑफिशियली स्टार्टिंग जो है यह कहां से दोस्तों मानी जाएगी ये आपके देहरादून से कहां से देहरा यहां से हरी झंडी दिखाई गई है यहाँ पर दोस्तों याद रखना इसको हरी झंडी दिखा दी गई लेकिन ऑफिशियल तरीके से ये कहाँ से स्टार्ट होगी देहरादून देहरादून से स्टार्ट होगी और देहरादून से स्टार्ट होकर दोस्तों ये कहां तक जाएगी पुणे महाराष्ट्र तक दोस्तों जाएगी बस इतनी सी ये बात है बात है आपकी यहीं पर बात आती है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए की एनडीए की स्थापना दोस्तों कब हुई थी सात दिसंबर उन्नीस को एनडीए की स्थापना हुई थी एनडीए का सर जी मुख्यालय कहाँ पर है एनडीए का मुख्यालय खड़क वासला एनडीए का मुख्यालय खड़क वासला में है खड़क वासला कहाँ पर है जहाँ पर दोस्तों पुणे महाराष्ट्र है पेपर पूछ दिया जाए वर्तमान में एनडीए के कमांडेंट का नाम क्या है तो याद रखना दोस्तों अजय कमांडेंट का नाम क्या है अजय दोस्तों अजय

द्वारा अगला क्वेश्चन चौथा हाल ही में जल्दी जल्दी खत्म कर दो फिर चलते हैं गतिविधि सीरीज में हाल ही में खेल मंत्रालय खेला नहीं खेल हाल ही में खेल मंत्रालय ने दोस्तों किस राज्य में किस राज किस खेल मंत्रालय ने किस खेल महासंघ को कई प्रावधानों के उल्लंघन के चलते निलंबित कर दिया आज मैं आपको बढ़ा चुका हूं अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ को अंतरराष्ट्रीय दोस्तों कुश्ती महासंघ को वर्तमान में और संजय सिंह को भी दोस्तों सस्पेंड कर दिया गया है जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है अगला क्वेश्चन पांच अभी पढ़ा चुके हैं अंतरराष्ट्रीय टीम की टीम ने विश्व का सबसे पुराना ज्ञात किला 1400 साल पुराना ज्ञात किला दोस्तों कहाँ ढूंढा गया यह आपके साइबेरिया में दोस्तों ढूंढा गया है इस फोर्ट का नाम क्या है सर अगर आपके पेपर में फोर्ट का नाम पूछा जाए तो याद रखना फोर्ट का नाम क्या है दोस्तों याद रखना फर्स्ट एंड सेकंड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकंड जैसा अंगरकोट का मंदिर था वाट का. उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके सामने हाल ही में जारी सुधार सूचकांक के अनुसार किस भारतीय राज्य ने कृषि विपणन सुधारों में पहला स्थान प्राप्त किया था भारत के अंदर आंध्र प्रदेश के द्वारा दोस्तों सबसे बड़ी बात है ये रिफॉर्म जो इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है रिफॉर्म जो इंडेक्स होती है इसको याद रखना मेरे दोस्तों नीति आयोग के, के द्वारा जारी किया जाता है दूसरी बात है नंबर एक पर दोस्तों कौन सा राज्य है आंध्र प्रदेश याद रखना नंबर एक पर है नंबर एक से कभी काम नहीं चलेगा कम से कम दो आपको पता होने चाहिए नंबर दो पर भारत का जो राज्य है वह आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश हो जाता है अगला क्वेश्चन है सातवा हाल ही में एडीबी ने दिल्ली मेरठ आर दिल्ली मेरठ दिल्ली मेरठ दोस्तों के लिए कितने ऋण की दोस्तों मंजूरी दी है प्रस्तावित जो धन है ठीक है प्रस्तावित दोस्तों प्रस्तावित जो धन था वो 500 मिलियन डॉलर का था कितना है 500 मिलियन डॉलर का था लेकिन दोस्तों अभी दिया कितना गया है वह क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है 250 मिलियन डॉलर 280 मिलियन डॉलर 230 मिलियन डॉलर या फिर 206 मिलियन डॉलर तो 250 मिलियन डॉलर का पहला दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दोस्तों दिया गया है चलिए हो तो गया सातवा अब की बार आठवा देखो हाल ही में किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक को छोड़ने की घोषणा कर दी है याद रखना ये कब से क्विट कर देगा यह याद रखना है आपको एक जनवरी 2024, हजार चौबीस एक जनवरी एक जनवरी दो हजार चौबीस से दोस्तों याद रखना ओपेक को क्या कर रहा है छोड़ रहा है ऐसा कौन सा देश है देश का नाम याद रखना अंगोला देश हो जाएगा अंगोला से पहले आपको याद रखना है अंगोला से पहले 2020 में अंगोला से पहले 2020 में एक देश था इक्वाडोर इक्वाडोर ने दोस्तों छोड़ा था 2019 में याद रखना एक देश जिसका नाम है कतर कतर ने भी दोस्तों इनको छोड़ दिया था. ने दोस्तों आपको यह भी दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है इसी प्रकार से पेपर में कहा जाए अंगोला दोस्तों ओपेक में शामिल कब हुआ था अंगोला ओपेक में 2007 दो में दोस्तों शामिल हो गया था वर्तमान में ओपेक में सदस्यों की संख्या कितनी हो चुकी है अब याद रखना दोस्तों टोटल कंट्री इन ओपेक वर्तमान में छोड़ने के बाद टोटल ओपेक कंट्री अब कितनी है? टोटल याद रखना अब इसके अंदर कुल मिला की अपनी दोस्तों याद रखना बारह हो जाएगी इसमें याद रखना दोस्तों इंडोनेशिया ऐसा पहला देश था ये फैक्ट लिखा रहे मैं आपको इंडोनेशिया पहला फैक्ट था जिसने 2016 में इसकी जो चेयरमैनशिप थी इसकी दोस्तों जो चेयरमैनशिप थी इसको सस्पेंड कर दिया था मना कर दिया था मैं नहीं करने वाला ठीक है ये किसने ये किसने कहा था भी दोस्तों हम आपको बता चुके हैं ये बात कही थी आपके इंडोनेशिया के द्वारा अगला क्वेश्चन यहाँ से आपके पेपर में पूछा जाएगा कौन कौन से देश दोबारा शामिल हुए थे 2017 में याद रखना दोस्तों 2017 दो में एक देश है गिनी एक देश है दोस्तों याद रखना गिनी ये शामिल हुआ है शामिल शामिल देशों की बात की बात जाए आपके सामने है गिनी हुआ था। इसके साथ में 2016 में याद रखना एक देश था गैबान गैबान दोस्तों इसमें शामिल हुआ था तुम्हारे पेपर में पूछा जाए सर जो ओपेक है ओपेक की स्थापना कब हुई थी ओपेक की स्थापना दोस्तों ओपेक की स्थापना दोस्तों कब हुई थी 1960 में सऊदी अरब के अंदर ओपेक की स्थापना हुई थी ओपेक का दोस्तों मुख्यालय कहां पर है याद रखना बगदाद बगदाद इराक के अंदर इसका मुख्यालय है वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है सेक्रेटरी जनरल हैथम अल हैथम अल घाशी इसके सेक्रेटरी जनरल है बंदा किस देश का रहने वाला है ये बंदा गल्फ कंट्री कुवैत का रहने वाला है हाल ही में बने हैं ये बंदा दोस्तों कुवैत का रहने वाला है हो गया डन क्वेश्चन आपके सामने ठीक है सर हो गया ये था आपके सामने नोवा क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर सॉरी नोवा हाल ही हाल में किस राष्ट्र राज्य ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 में पहला स्थान दोस्तों प्राप्त किया है हमारे बात के अंदर कर्नाटक ने ऊर्जा के संरक्षण के लिए पहला स्थान प्राप्त किया इसको वन लाइनर करना अगला क्वेश्चन आपके सामने है दस। में किस देश ने पूर्व कप्तान डी एलगर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास लेने की दोस्तों घोषणा कर दी है यह आपके दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है ध्यान से सुनो दस क्वेश्चन जो आपने कवर किए आपने कल 25 तारीख को इन्वर्टर और लाइट खराब होने के कारण सिर्फ तीन कर कर क्वेश्चन थी।, थी और अभी जो पड़ी है इससे पहले वो दोस्तों आपके सामने करंट ये देखो ये आपके सामने पच्चीस और छब्बीस दोनों कवर कर चुके हैं आप लोग तो मेरे साथ ये सारा रिवीजन एक बार मार लो जितने भी अभी हाल में दोस्तों सन्यास लोगों ने लिया है सारे आपके सामने इस क्लास का एकमात्र टारगेट याद रखना जो मैं आपसे पहले कह चुका हूं यूपी पुलिस के लिए पेड कोर्स परचेस करने की सिस्टम याद रखना यूपी पुलिस का पेड कोर्स वहीं परचेस करना जहां पर लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी यूपी ट्रिपल एससी में अपना पूर्ण योगदान दिया था तुम जहां परचेस कर रहे हो वो वो लोग हैं जिन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी कि बच्चों पेपर में क्वेश्चन नहीं फंसे क्योंकि पेपर गंदा आया था ये नहीं कहा कि बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है खैर फिर आपकी मर्जी है लेकिन मेरा वादा है आपसे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी स्क्रीन शॉट के साथ अपना रिकॉर्ड है मेरी शिफ्ट का मैंने खुद दिल्ली पुलिस का पेपर दिया था मेरे खुद पचास में से कितने क्वेश्चन छियालीस चार तो मैंने लगा ही नहीं है जैसा कि आप जानते हो उसी हिसाब से आपके सामने डाटा है क्योंकि मैं सिर्फ आपको एग्जाम पढ़ा रहा हूं यूपी पुलिस एस एस सी का पेपर इससे अगर बाहर निकल जाए और वो बिहार का जो पेपर है इससे बाहर निकल जाए तो बात बताना और ये पेपर जैसे ही हो गए उसके बाद एसएससी के आधे नोट्स में बना चुका हूं कि एसएससी का पेपर कहां से आएगा ठीक है तो ये आपके सामने सफीक, पाकिस्तान रिटायर गुर गुरकीरत सिंह भारत रिटायर मैक लैंगिंग ऑस्ट्रेलिया रिटायर सुनील नरेन वेस्ट इंडीज रिटायर डेविड विली किल इंग्लैंड रिटायर इसी प्रकार से सोंड्रा रिन टिपोच इंग्लैंड सॉरी थाईलैंड रिटायर एलिस्टर कुक इंग्लैंड से रिटायर स्टीवन फिन इंग्लैंड से रिटायर एलेक्स हेल्स इंग्लैंड से रिटायर मनोज तिवारी भारत से रिटायर अब इनको पेन कॉपी लेके लिखने मत लग जाना आप मेरे साथ हो रेगुलर रहो फिर से रिवीजन बार-बार होता रहेगा अब स्टार्ट होती है अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कर रहा है एसएससी जीडी की तैयारी यूपी पुलिस की तैयारी या एसीआईओ की तैयारी सीपीओ की तैयारी सीजीएल की तैयारी एमटीएस की तैयारी सीएचएसएल की तैयारी या भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी तो गतिविधि सीरीज के टॉप 25 क्वेश्चन में आपका स्वागत है गतिविधि सीरीज के टॉप 25 क्वेश्चंस आपके सामने है बताइए एक तरफ से आंसर्स फटाफट से एक तरफ से आंसर बताते जाओ निकलते जाओ और बस इस क्लास को स्टॉप करते हैं ठीक है नोट कर लो नहीं नोट मत करो सीआईएसएफ टू हिट जी नोट नहीं करना है आप लोग किस जमाने में रह रहे हो आप इस दुनिया के जमाने में आओ अपडेट दुनिया में जीना सीखो ठीक है अपडेट रहो इस दुनिया को छोड़ो देखो हम आपसे पहले कह चुके हैं मैंने आपको जितने भी टीचर्स बताए हैं उन टीचरों के साथ अदर सब्जेक्ट पढ़ते रहो इंडिविजुअल कोर्स अलग अलग यह मैं सोचना पेड कोर्स ले लू इन्हीं टीचरों से सिलेक्शन होगा नहीं जिन टीचरों से पसंद है जो टीचर एग्जाम वारंटेड पढ़ा रहे हैं उनके साथ पढ़ो तो 2024 चौबीस आपके जिंदगी में गोल्डन चांस है इसको बर्बाद मत करो ऐसे टीचरों से पढ़ो जो आपको पढ़ा रहे हैं जब आपका पेपर हो जाए तब आंसर की वो लेके आए ये नहीं कि रिजल्ट वो आ गया एनालिस्ट करके चल रहा है कह रहे हैं वाह मजा आ गया मैंने सारा कवर कराया था अरे घंटा कवर कराया था जब आंसर किया जाए तब उनसे कहो सर ये आंसर किए दिखाओ कब पढ़ाया था पूछा करो सिंगल टीचर तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा अभी लोग ऐसे करते हैं ना ये देखो मैंने पढ़ाया था अरे दिखा कहां पढ़ाया था सिंगल दिखा भाई मैं दिखाऊंगा इसी चैनल पर मेरे सेशन पड़े हुए देख लो जाके एल्डर लाइन चौदह सेवा भारत के किस राज्य सरकार ने दोस्तों शुरू की थी आंसर याद रखना हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश और गुजरात के द्वारा उत्तर प्रदेश और गुजरात के द्वारा इसके आंसर अगर आपको नहीं पता है तो सोच लो आप बहुत लूज हो और नहीं पता है तो रेगुलर रहो अगर मेरे साथ रेगुलर हो कभी भी वीकली नहीं कोई नोट्स नहीं कोई मैराथन नहीं कोई मैगजीन नहीं कोई बुक नहीं किसी प्रकार का कोई भी सिक्स मंथ बारह मंथ का कोई ड्रामा नहीं कुछ नहीं बस एक क्लास रेगुलर तुम्हें लेनी है तुम्हारा करंट स्टैटिक बाहर निकल जाए तो भाई का नाम बदल देना किस राज्य में नामदफा टाइगर रिजर्व में हरे पेड़ हरे पेड़ पेड मेडक की एक नई प्रजाति की खोज की गई थी यह खोज भारत के किस राज्य में की गई रुचि तिवारी कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो आप मतलब कंसंट्रेट होकर आंसर देते हो अमेजिंग आंसर याद रखना अरुणाचल प्रदेश अगला क्वेश्चन है तीसरा केंद्र सरकार ने किस राज्य की पोलावरम परियोजना के लिए बारह करोड़ रुपए को करोड़ रुपए की दोस्तों मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने किस राज्य की पोलावरम परियोजना के लिए 12911 करोड़ रुपए की दोस्तों मंजूरी दी थी कोई बता सकता है इसका संबंध निम्नलिखित में से दोस्तों किस राज्य से था क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर आंसर मारो सीधा आंध्र प्रदेश से इसका संबंध आपके आंध्र प्रदेश से था पोला वर्मन प्रोजेक्ट का संबंध आंध्र प्रदेश से है बजट याद रखना किस राज्य ने घर घर कचरा संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है घर घर कचरा संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए के लिए विशेष अभियान का शुभारंभ किया है हरियाणा झारखंड बिहार या फिर आपके मध्य प्रदेश के द्वारा जो भी आंसर मुझे कमेंट करके बताओ फिर आगे चलते हैं ठीक है आप सर विशाल दुबे जी आप सर विशाल दुबे जी मेरा भी नाम यही है मोहित मोहित चौहान राजपूत जी जी ये देखो ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं भैया मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जी जो बाय वगैरह मतलब क्या अंदर से फीलिंग्स आपको आती है एक ऐसा इंसान इसा जो पढ़ाते समय बस एक ही बात कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं कुछ नहीं करना है एग्जाम के लिए जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस रखो जिस दिन तुमने पेपर दोगे और तुम्हारी आंसर की आएगी वो आंसर की मुझे देना और मुझसे ये कहना सर ये आंसर की है बताओ ये क्वेश्चन आपने किस डेट को और कैसे पढ़ाया था मैं आपको दिखाऊंगा यूट्यूब पर एक ऐसा टीचर और एक ऐसा टीचर है पेड कोर्स पेल रहा है, है? प्रेसर दे रहा है पीडीएफ दे रहा है मैगजीन बेच रहा है बुक बेच रहा है स्क्रीनशॉट कब ला रहा है जब है ही नहीं और कितने एक दो खत्म और कह रहा है ये देखो मैंने पढ़ाया देखो भाई कहाँ पढ़ाया वो सही है क्यों अबे क्यों अरे यार अजीब लगता है मुझे आंसर याद रखना हरियाणा सिर्फ मजे के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो तुम लोग भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिस्टी नामक योजना का उद्देश्य क्या है मिस्टी नामक योजना भारत के अंदर एक योजना है इस योजना का उद्देश्य क्या था सी आ रही है यार याद रखना सेविंग सुगर कैन का मतलब चीनी से संबंधित था प्रोटेक्टिंग रिवर्स यानी कि जो नदियां होती हैं इसके पुर, से संबंधित था प्रोटेक्टिंग मैंग्रोव के वर्ष, मैंग्रोव के जो भारत के अंदर पश्चिम बंगाल में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनसे संबंधित था या दोस्तों किसानों से संबंधित था आंसर क्या होगा रेखा मुझे हक मुझे हकीकत सजा देती है आसान चीजों का शौक नहीं मुझे मुश्किलें मजा देती है आए आये जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है तो हौसले हमें अपने अंदर भरना है जी तो तो काम करो माइक की आवाज ना बढ़ाने से अच्छा है आप एक काम करो आप वो कर लो वॉल्यूम बढ़ा लो क्योंकि इस माइक में पता नहीं क्या है मेरी आवाज क्यों आती है कब मुझे पता नहीं यार कौन रूठा है पता नहीं मुझे ऐसे बढ़ाना पड़ेगा फिर तो मिस्टी योजना का संबंध दोस्तों किससे संबंधित है याद रखना आपके मैंग्रोव से संबंधित था किससे मैंग्रोव से, से? फटाफट कवर करो टाइम हो रहा है डेढ़ घंटे से ज्यादा नहीं जाना चाहिए भारतीय खिलाड़ी बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है क्वेश्चन नंबर का आंसर इनका संबंध याद रखना दोस्तों एथलीट से है भारतीय खिलाड़ी अमलान बोरगोहेन किस खेल से याद रखना एथलीट से सात पर आओ और हां जितने लोग सेशन में हो मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का ताकि मैं कभी भी पेड़ ना ला हमेशा आपको मैं फ्री ऑफ पढ़ाता रहूं। लाता सिलेक्शन देता आगे बढ़ना चाहिए तो शेयर कर देना और कर लेना अगले क्लासेस के लिए तो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज एमबी एक्सप्रेस किस मार्ग पर दोस्तों संचालित हुआ था याद रखना चेन्नई टू चेन्नई टू दोस्तों श्रीलंका तक दोस्तों ये आपका मार्ग गया था तुम्हारे पेपर में पूछे कम्युनिकेशन जॉन ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है आंसर याद रखना डेली अफेयर में रिवीजन होता है ऑलरेडी जब जब महिलाएं आती हैं सुचिता सुचित्रा शेखर याद रखिएगा नौ पर आओ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है सात जून को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर अरे दसवा है किस राज्य ने युवाओं को रोजगार रोजगार पर कौशल प्रदान करने के लिए सीखो और कमाओ योजना को लॉन्च किया था शिवराज सिंह चौहान ने सीखो और कमाओ योजना को दोस्तों लॉन्च किया था क्वेश्चन नंबर दस का आंसर मध्य प्रदेश इज द करेक्ट होगा सर जी क्वेश्चन नंबर ग्यारह है यातायात की भीड़ एड वगैरह बीच में आ जाया करें तो इनको स्किप कर दिया करो क्योंकि कुछ इशूज हैं चैनल पर इसलिए ऐसा होता है ठीक है एड वगैरह आते स्किप कर दिया करो यातायात की भीड़ को कम करने के लिए किस देश ने स्वस्थ उड़ान टैक्सी का की पहला उड़ान परीक्षण को किया था पहली बार दोस्तों याद रखना उड़ने वाली टैक्सी का शुभारंभ इजराइल के द्वारा किया गया है क्वेश्चन नंबर बारह हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया अग्नि प्राइम का सफलता पूर्वक परीक्षण किया गया सर जी, के लिए पैकेज का का कुल भारत सरकार का कितना है? नवासी हजार सैतालीस करोड़ रुपए है अगला है चौदह एलबी डी क्रूज जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से दोस्तों संबंधित थे एलबी डी क्रूज का जिनका हाल ही में निधन हो गया इनका संबंध निम्नलिखित में से किससे था निम्नलिखित में से दोस्तों इनका संबंध था निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे ए से ए का मतलब है डिफेंस पर्सनल से संबंधित थे क्या बात करेंगे गौतम जी पहली बार आपके आंसर हो रहे हैं सही नहीं नहीं हमेशा होते हैं भारतीय कंटेनर निगम के सीएमडी पद के लिए किसकी सिफारिश की गई है भारतीय कंटेनर निवर के सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजय स्वरूप की पहले दोस्तों घोषणा हुई थी और वर्तमान में ये नियुक्त कर दिए गए हैं सोलह पर आओ समग्र पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है कि आपने पर्यावरण से संबंधित बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है यह जलवायु परिवर्तन भारत से ही संबंधित है पर्यावरण मंत्रालय के साथ तेलंगाना प्रथम स्थान पर है किस बैंक ने चेन्नई में आई एम अडायर इजमी नामक एक अनोखा अभियान शुरू किया है फेडरल बैंक के द्वारा बैंक ऑफ फेडरल अगला है अठारह चक्रवात का नाम है बेपर तो चक्रवात बेपर से भारत के किस हिस्से को बहुत ज्यादा परेशानी दोस्तों झेलनी पड़ी थी ईस्टर्न कोस्ट को वेस्टर्न कोस्ट को वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा को या फिर आपके साउथर्न कोस्ट को क्वेश्चन का आंसर जो होगा वेस्टर्न कोस्ट को अगला है 19 यूनेस्को के द्वारा मिसेल बेटिस पुरस्कार से किसे सम्मानित दोस्तों किया गया है इस क्वेश्चन का आंसर आप दो ऑप्शन आपके सामने है जगदीश ए बकौम ठीक है मेहला विश्वास रहेजा खान विभा अतुल अवस्थी सर के तनवीर कपूर जी हाँ जी बात कर रहे थे मैं इस चैनल पर खुलिया नहीं कहता लेकिन मैं इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जीके जिस पढ़ाता हूँ लेकिन इस चैनल पर जीके जिस पढ़ाने का मतलब है इंडिया का चाहे कितना भी टफेस्ट एग्जाम हो चाहे एम का एग्जाम हो एम में दोस्तों हंड्रेड क्वेश्चन आए हैं जी के जिस करंट अफेयर के पता है मेरे पढ़ाए हुए कितने आए हैं दोस्तों नवासी क्वेश्चन तो मैंने क्लास में बताए बताए थे लेकिन स्क्रीन शॉट सबका नहीं मिलेगा स्क्रीन शॉट दोस्तों 80 क्वेश्चंस का मिला है बस बिहार एसआई SI, दरोगा का पेपर लीक हो गया अरे पागल मुझसे पढ़ लेते एक महीना ही पढ़ लेते तुम हंड्रेड में इतना स्कोर सेम एस एम

आपको दोस्तों इंग्लिश की टीस टीचर से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है और सिलेक्शन के लिए कैसे पढ़नी होती है आप लोगों पता क्या करते हो आप लोगों को सिलेक्शन ना होने का बस एक ही कारण है कि आप लोग पढ़ते सब हो लेकिन वो नहीं पढ़ते जो पेपर में आता है बस यहां आपकी गलती है इसलिए आप फेल होते हो और आगे भी होते रहोगे अगर आपने सही तरीके से चल, अपनी चाल को अपने मंजिल की ओर नहीं ले गए चलती दुनिया है हर इंसान मंजिल पर नहीं जाता क्यों क्योंकि मंजिल की तरफ होता ही नहीं है यूनेस्को द्वारा मिसेल बेटेस पुरस्कार किसको दिया गया जगदीश एस याद रखना बकान को दिया गया अगला है बीस कौन सा देश नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 की मेजबानी कर रहा था पहली बार दोस्तों जर्मनी ने की थी अगला देखो भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास हाल ही में किस जलाशय में दोस्तों शुरू हुआ था यह हुआ था आपके गल्फ ऑफ ओमान में कहां पर गल्फ ऑफ ओमान में बाईस देखो कौन सा राज्य निजी वर्चुअल स्कूलों को मान्यता देने वाला पहला देश मतलब देश का पहला राज्य बन चुका है कौन सा राज्य निजी वर्चुअल स्कूलों को मानता देने वाला पहला बन चुका है वह राज्य आपका राजस्थान है। किलाउवा ज्वालामुखी किस शहर में वर्तमान फटा है इसका संबंध आपकी हुई में है अब सोचो दुनिया में कितने सारे ज्वालामुखी हैं पेपर में भी आते हैं कितने हैं दुनिया भर के मैंने कितने पढ़ाए हैं मैंने आपको सिर्फ नौ ज्वालामुखी पढ़ाए हैं पूरा एसएससी 2024 में जितने भी एग्जाम होंगे जितने भी एग्जाम मैं आपको सिर्फ टॉपिक बताऊंगा कि मैथमेटिक्स के कौन से टॉपिक हैं, रीजनिंग के कौन से टॉपिक हैं, इंग्लिश के कौन से टॉपिक हैं और इंग्लिश में तो मैं पे आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूं कि किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है ये सारी चीजें और जेके जी के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी दो क्लासेस एक करंट की और एक शाम को स्टैटिक की इसके बाद आपको ना कोई पेड कोर्स देखना है ना कोई पीडीएफ देखनी है ना कोई नोट्स बनाने हैं। दिन में पांच से घंटे देने है। देखते हैं। हैं देखते कैसे सिलेक्शन रुक जाता छेक्शन वो ही। और ये जो नौ जन्मों की बताई है ना इनसे बाहर क्वेश्चन अगर आ जाए मेरे सब्जेक्ट की तो फिर खत्म ही करो फिर अगला है चौबे मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं फंसते हैं तो फंसते हैं किस राज्य ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-2025 को लॉन्च किया था क्वेश्चन नंबर 25 दोस्त क्या होगा हरियाणा के द्वारा ने दोस्तों याद रखना रिसोर्स एक्शन प्लान लॉन्च किया था तेईस से पच्चीस का अंतिम क्वेश्चन है सर जी का बांध जो खबरों में रहा किस देश के अंदर स्थित है बांध याद रखना जहां पर रशिया ने बूम कर दिया था यह याद रखना आपके यूक्रेन के अंदर स्थित है ठीक है आगे आइए कल के लिए परसों का क्वेश्चन मैंने आपको जो ऑफलाइन दिया था वो ये था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नॉर्थ न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई का अधिकार और आप लोगों में आंसर क्या ढूंढ रहे थे आर्टिकल बारह से पैंतीस तक जिसमें आपके मौलिक अधिकार है नहीं दोस्तों ये मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है इसका संबंध आर्टिकल तीन सौ ग्यारह से था और इस आंसर को देने वाले टॉप थ्री स्टूडेंट टॉप थ्री आते हैं डेली तो टॉप थ्री स्टूडेंट के जो नाम हैं, वो दोस्तों हो जाएंगे टॉप थ्री में राज मिनिस्ट्री आर्टिकल तीन निधि कुशवाहा आर्टिकल तीन आर आंसर ऑफ द डे विकास आर्मी विकास वि, विक्रम यादव ऐसा ही साहब का आंसर है 311 ये टॉप थ्री स्टूडेंट हैं अगर आप, आप भी टॉप थ्री में आना चाहते हो तो ऑफलाइन कमेंट में सबसे पहले टॉप थ्री जो कमेंट देगा उसका आंसर आएगा इसके साथ में दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है आज इस क्लास में स्टूडेंट दो प्लस हो गए थे लाइव इसीलिए कल से याद रखना टॉप थ्री की जगह पर टॉप फाइव स्टूडेंट आया करेंगे और जिस दिन हम लोग दोस्तों पांच सौ क्रॉस हो गए उसी दिन टॉप टेन स्टूडेंट आया करेंगे टॉप ये मेरिट है आप लोगों की आदत डाल लो मेरिट में आने की और मेहनत क्या करो कमेंट में पहले करूंगा नहीं भी आपका नाम आता है तो रेगुलर कमेंट करो एक ना एक दिन आपका नाम टॉप पर आएगा उस दिन दिल में तुम्हें वो खुशी मिलेगी आप सोच नहीं सकते हो ऐसे टारगेट बनाया करो छोटे छोटे की मेरा नाम क्यों नहीं आता है कमेंट करो फटाफट तुरंत भारतीय इनकी कैसे आती है टॉप 3 की बताएंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया था अनुच्छेद 311 अनुच्छेद 312 अनुच्छेद 313 या फिर अनुच्छेद आपका या फिर अनुच्छेद आपका चौदह जो भी बताना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद है, आर्टिकल और जो भी है मुझे कमेंट करके बताना पीडीएफ ऑन टाइम पर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी अब एक बार परसों वाले क्लास के कमेंट देख लेते हैं फिर दोस्तों चलते हैं तो बाकी स्टूडेंट रूट जाएंगे बेचारे सेशन को यार सभी लोग मिलके सब्सक्राइब कर देना अगर हो सके तो बहुत जरूरत होती है लाइक भी कर देना क्लिक करोगे चैनल पर चैनल का नाम है gk gsc by विशाल सर अभी चैनल का नाम आप लोग बताना क्या चैनल का नाम रखें इसका नाम बदल देंगे फिर हम लोग डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर 5 बजे स्टडी जीके सुबह डेली शाम को 8 बजे ऑन टाइम पर होती है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्ट्रेटजी के

सब को मिलाकर क्वेश्चन करंट स्टैटिक के हैं मेरे में से इकसठ क्वेश्चन फंसे हैं इस, में देखो, इस कभी नहीं कहेंगे कि मैंने बच्चों लूटा है तुम्हें पढ़ाया नहीं है अगर आप एस एग्जाम है ये रहा 25 में से 22 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट के साथ में मैंने हैं, देख लो जाकर

डेली ये पूरी लिस्ट आपके सामने है कल की जो क्लास हुई है दोस्तों वो आपके सामने अच्छा अभी नीचे मिलेगी टॉपिक खत्म कर चुके हैं कृषि से संबंधित कितने क्वेश्चन में खत्म कर चुके हैं नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं युद्ध अभ्यास कल का शाम का टॉपिक था अगला है

दस मिनट तक डेली करने फिर खत्म हो जाती है उसके बाद जो शुरू होती है वह होती है आपकी गतिविधि गतिविधि जो हर चीजों को सर चैनल का नाम रख दो अच्छा पढ़ो कम पढ़ो अच्छा है भगवान ऐसे ऐसे नाम ये लोग रखते हैं पहले कॉलगेट का प्रचार करो निधि की सुबह तब बाय बाय कौन है ये चैनल का नाम अच्छा रखेंगे बढ़िया जैसा आप बताओगे क्योंकि मेरा चैनल से कोई मतलब नहीं है आपका यह जो कुछ है अब ऑफ करें सेशन को आज आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया थैंक यू सो मच इस सपोर्ट के लिए अगर आपने मुझे ऐसा सपोर्ट दिया है ना तो मेरा वादा है दोस्तों मेरा आपके सामने खुला सपोर्ट होगा और खुला सपोर्ट कौन सा पता है सोच लो फंसा के मानेंगे आपकी बात चाहे यूपी पुलिस हो या सीसी हो कुछ भी हो खत्म कर देंगे बस एक बात याद रखना जब रिजल्ट आए या एनालिसिस चल रहा हो तब उन टीचरों की बात मत मानना बात मानना जब आंसर किया जाए आंसर किया जाए फिर बताओ सर जी बताओ कहा घंटा कुछ नहीं किया चलो दोस्तों ऑफ करते हैं मिलते हैं ऑन टाइम पर आज शाम को आठ बजे फिर कल सुबह फिर से अपनी क्लास में तब तक लिया आप सभी को तय दिल से जय हिंद जय भारत वंदे मातरम जिंदाबाद